मधुबनी जिले के बिस्पी थाना क्षेत्र के परसौनी के ग्रामीणों द्वारा काला बाजारी के आरोप में पकड़े गए खाद्यान्न की जांच की गई। जांच में खाद्यान्न स्थानीय परसौनी गांव के वार्ड संख्या 3 के डीलर मोहम्मद शमसाद की होने की पुष्टि की गई। एमओ दिनेश धारी सिंह ने परसौनी वार्ड संख्या 3 के डीलर मोहम्मद शमसाद के खाद्यान्न के स्टॉक की जाँच पड़ताल की। एमओ ने बताया कि जांच में खाद्यान्न का स्टॉक सही नहीं पाया गया। बताते चले कि परसौनी गांव के ग्रामीणों ने डीलर के घर के पास खाद्यान्न से भरा महिंद्रा मैजिक वाहन देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पतौना ओपी को दी। मौके पर एएसआई राजकिशोर सिंह पहुंचकर मैजिक वाहन को थाने पर ले आए। घटना की सूचना एमओ को दी गई। जांच के बाद डीलर द्वारा अनाज कालाबाजारी में बेचने की बात सामने आई। इस संबंध में एमओ दिनेश धारी सिंह के आवेदन पर डीलर मोहम्मद शमसाद नूरचक पंचायत के लक्ष्मीपुर निवासी मैजिक चालक राम शाह सहित 3 के खिलाफ बिस्पी थाना में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने खाद्यान्न कालाबाजारी करने के आरोप में राम शाह, गुलाब शाह और राम गुलाम शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट।